तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ एक और शानदार वीडियो आपके लिए फिर से। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज के सेकंड इंटरनेशनल ओडीआई मैच के बारे में। पहला ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया ने बड़े मार्जिन से जीत लिया है। हालांकि T20 में सीरीज हारी थी, लेकिन ओडीआई में काफी अच्छी वापसी करी है। इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ओडीआई मैच के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, क्या हमारी मैच प्रिडिक्शन रहेगी, क्या आपके लिए ड्रीम 11 की टीम परफेक्ट रह सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैच खेला जाएगा बारबाडोस में 12 AM पर, आप इसे लाइव देख सकते हो फैनकोट ऐप पर। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो लास्ट जो T20 सीरीज हुई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उस मैच हारी थी ऑस्ट्रेलिया, तो ओडीआई में अच्छी वापसी करी है और ओडीआई इसको जीतना चाहेगी टीम, तो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहेगी, वो अपने सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना पसंद कर सकती है। क्या उनकी प्लेइंग 11 रहेगी वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। बेन, जॉस, मिचेल मार्श काफी अच्छी फॉर्म में है, T20 में भी उन्होंने काफी अच्छे रन बनाए थे और लगभग 7 से 8 विकेट भी लिए थे। अस्टन, एलएस केरी लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी पारी खेली थी। मैथ्यू बेट, मोजे हेनरिकेस की बात करें तो यहाँ पर उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, ना ही T20 की जो सीरीज हुई थी उसमें देखी थी, ना ही ODI में देखी थी, लेकिन इनको मौके दिए जाएंगे क्योंकि इन्होंने बिग बैश में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इन्हें आगे के लिए देखा जा रहा है। वही बात करते हैं मिचेल स्टार्क, लास्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए। जोश हेजलवुड, बेस अगर और एडम तांपा। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 के बारे में। वेस्ट इंडीज T20 में तो अच्छा करती है, लेकिन ODI में उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर वो अपने कुछ प्लेयरों में चेंजेस कर सकती है। उन्हें शाई होप जैसे प्लेयर चाहिए, तो यहाँ पर शाई होप, रॉसबन चेज ये वापसी कर सकते हैं। क्या इनकी प्लेइंग 11 रहेगी वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। प्लेइंग 11 में इवन लुविस और शाई होप ओपनिंग करेंगे, उसके बाद हेटमायर डैरन की जगह पर यहाँ पे रॉसबन चेज खेलते हुए नजर आएंगे। पोलार्ड, जेसन अखिल, हेडन, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसफ और शेल्डन कॉर्टर। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों में कुछ एक्स फैक्टर प्लेयर। एक्स फैक्टर प्लेयर की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉस, एलेक्स केरी, मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श और अक्षर डगल। वहीं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो वेस्ट इंडीज में शाई होप आपके लिए की प्लेयर साबित हो सकते हैं, हेटमायर, पोलार्ड, अल्जारी जोसफ और हेडन। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही टीमों के कुछ हेड टू हेड मैचेस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। हेड टू हेड की बात करें तो जो टोटल इन दोनों टीमों के बीच मैचेस खेले गए हैं 141 मैचेस खेले गए, जिसमें से वेस्ट इंडीज ने 60 मैच विन किए हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने 75 मैच विन किए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आगे है। बात करते हैं टाई की और नो रिजल्ट की, तो 3 मैच टाई और नो रिजल्ट रहे हैं। लास्ट 5 मैचेस की बात करें हेड टू हेड में तो 4 मैच जीते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने और मात्र 1 मैच जीता है वेस्ट इंडीज ने। वो जो जीता था वो 2016 में जीता था जब वेस्ट इंडीज में मैचेस खेले गए और दोनों ही टीमें आमने सामने थी। तो टोटल 46 मैचेस में से वेस्ट इंडीज ने 18 मैच जीते तो ऑस्ट्रेलिया ने 26 मैच जीते, 2 मैच यहाँ पे टाई रहे हैं। बात करते हैं इनके लास्ट के 5 मैचेस में क्या रिजल्ट रहा है। तो वेस्ट इंडीज ने लास्ट के 5 मैचेस में से 2 मैच में जीत दर्ज करी और 3 में हार देखने को मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो 4 मैच में जीत मिली है और 1 मैच में हार देखने को मिली है। अब बात करते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए थे दोनों ही टीमों के लिए, उनका क्या रिजल्ट रहा था, कितने मार्जिन से जीती थी, कितने मार्जिन की हारी थी। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 2016 में वेस्ट इंडीज ने जीता था, सेकंड बैट पर जब आई थी तो टारगेट को चेज किया था। उसके बाद अभी तक वेस्ट इंडीज को ODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत देखने को नहीं मिली है। कितने मार्जिन से हारी है वो आपके सामने रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया 2016 में 6 विकेट से जीती थी, उसके बाद 58 रन से, 15 रन से और अब 133 रन से। अब दोस्तों बात करते हैं वेन्यू की और पिच रिपोर्ट के बारे में। वेन्यू की बात करूं तो बारबाडोस में मैच खेला जाएगा। यहां पर टोटल 39 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैट ने 18 मैच जीते हैं, सेकंड बैट ने 21 मैच जीते हैं। हाईएस्ट स्कोर यहां पे वेस्ट इंडीज का ही है 360 पे 8 विकेट। वहीं लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो आयरलैंड 91 पे ऑल आउट हो चुकी है। यहां पर जो फर्स्ट बैट का एवरेज स्कोर निकल कर आता है वो आता है 240। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं, बिलो स्कोर 210 टाइम, 200 टू 250 11 टाइम, 250 टू 314 टाइम और अबव स्कोर 304 टाइम। ये था आपके सामने स्कोरिंग पैटर्न। करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो बारबाडोस की इस पिच पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है। स्टार्टिंग में जो प्लेयर होंगे उनके लिए बैटिंग काफी डिसेंट है, सेकंड बैट पर जो आएंगे उनके लिए काफी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 की टीम के बारे में, स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की टीम के बारे में। स्मॉल लीग में आपके लिए विकेट कीपिंग में 2 अच्छी चॉइस है, शाई होप और एलेक्स केरी, जिसमें से आप उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। काफी अच्छी चॉइस है ये ODI मैच में आप लोगों के लिए। बैटिंग अटैक की बात करूं तो पोलार्ड, टर्नर और हेटमायर आपके लिए बेस्ट चॉइस है।
ऑलराउंडर में मिचेल मार्श, ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस है। जेसन होल्डर। बॉलिंग अटैक की बात करूं तो जाम्पा, कॉस्ट्रेल, बैसागर और वाइस। यहाँ पर आप मिचेल स्टार्क को भी ले सकते हो इनमें से किसी एक प्लेयर को हटा के, वो आपको देखना पड़ेगा पॉइंट सिस्टम में आपका कहाँ पे पॉइंट मैनेज करनी है। वही बात करते हैं ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग में विकेट कीपिंग में सेम चॉइस रहेगी, एलेक्स केरी और शाइयो। बैटिंग में बात करें तो पोलार्ड, टर्नर, हेटमायर और जॉस। बॉलिंग अटैक की बात करें तो जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और हेडन। ऑलराउंडर में मिचेल मार्श और जेसन होल्डर। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने आपको बताई दिया है क्या आपके लिए कौन सा कैप्टन अच्छा होगा और वाइस कैप्टन क्या होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सेकंड इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है शाई होप जो है ओडीआई के काफी अच्छे बल्लेबाज है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। अकेले वेस्ट इंडीज की तरफ से ऐसे प्लेयर है जो हर मैच में कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर देते रहते हैं, हालांकि इनका जो स्ट्राइक रेट होता है वो काफी कम रहता है। सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श ने T20 की जो सीरीज हुई थी उसमें भी 219 रन बनाए थे और 8 विकेट भी लिए थे, तो ये भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। लिविस और हेटमायर की फॉर्म काफी अच्छी है। एलेक्स केरी लास्ट मैच में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और ये विकेट कीपिंग के लिए आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी और 40 प्लस स्कोर यहाँ को करते हुए दिख सकते हैं। हेनरिकेस और पोलार्ड को आप पिक जरूर करना। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के आप ज्यादा से ज्यादा बॉलर लेना, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी अगर एक बार विकेट देना स्टार्ट होती है तो लाइन से ऑल आउट होते हुए दिखती है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर होंगे वो आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। हेडन आपके लिए अच्छी चॉइस होंगे वेस्ट इंडीज के बॉलर की साइड से। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी प्रिडिक्शन के बारे में। ये जो आपको कैलकुलेशन बताई इस कैलकुलेशन के बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा है और वेस्ट इंडीज के थोड़े कम है। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस 53% है और वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस 47% है। अगर यहाँ पर फर्स्ट बैट पे वेस्ट इंडीज आती है तो 240 से 265 के आसपास स्कोर करते हुए दिख सकती है। वहीं बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया 265 से 278 के पास स्कोर करते हुए दिखेगी। अगर आपको प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।